उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मंडे है और सुबह के जो है वो 9:40 हो रहे हैं और मैं अभी लैब जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मास्क है वो रिमूव कर दिया है क्योंकि कोरिया में जो मैंडेटरी मास्क का गाइडलाइंस थी वो फिनिश हो गई हैं और कोविड के केसेस भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए हैं। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है और लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है और डिक्लाइन हो जाएंगे। इस वीक में जो है वो 50,000 से 20,000 के बीच में रहे हैं। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक के क्या ग्राफ्स रहते हैं। होपफुली कम हो जाएगा। और बाकी कल थोड़ी सी बारिश हुई है तो थोड़ा सा आज टेम्परेचर ड्रॉप है। एल्स जो है टेम्परेचर जो है वो बिलो 25 रहता है बट अबव 20 रहता है, बट आज थोड़ा सा कम है बट ठीक है, कोल्ड नहीं है। और ना अभी सुबह जाते जाते मुझे लगा कि मैं एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं कोरिया में तो उनको कौन सा डोम जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो इस सब के लिए ना उनको पहले कंफर्म करना चाहिए कि उनके वहाँ पे इंटरनेशनल डोम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउड हैं या ग्लोबल में भी अलाउड हैं। और सेकंड के किचन फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस में हैं, ग्लोबल में है या इंटरनेशनल में है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो इंटरनेशनल डोम में किचन फैसिलिटी नहीं है बट ग्लोबल डोम की बात करें तो वहाँ किचन फैसिलिटीज़ हैं। सो आने से पहले और ये सब अपना रेजिडेंस चूज़ करने से पहले ग्लोबल डोम लेना है या इंटरनेशनल लेना है ये चीज़ कंफर्म कर लें कि उनका ग्लोबल कौन सा है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ क्या हैं और इंटरनेशनल क्या है। सो दैट कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें और डोम में रहना स्टार्ट कर लें तो आपको फूडिंग का प्रॉब्लम ना हो। अभी सेकंड चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि ऑफ़ कैंपस रेजिडेंस जो हैं, जो लोग बाहर अपार्टमेंट में रहते हैं जैसे मैं रहता हूँ, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, उसकी क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रेंट है और ये सब चीज़ें। सो अभी मैं लैब पहुँच गया हूँ तो ये सब हम जब मैं लंच टाइम पे आऊँगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी आउट कैंपस है उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, जो सिंगल रूम अपार्टमेंट है उसमें क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या तरीका है लेने का। सो अभी लैब पहुँचाए तो लंच टाइम हो गया है, 12:30 हो रहे हैं और मैं जो है वो अपार्टमेंट में जा रहा हूँ लंच के लिए। तो अभी सुबह हम डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंस का, तो अगर हम आउट कैंपस रेजिडेंस की बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली आएँ और यहाँ जो रियल इस्टेट ऑनर्स होते हैं उनको कोरियन में बोदकसान कहते हैं, तो उनके पास विज़िट करें, वो आपको सारे जो अवेलेबल रूम्स होंगे उस लोकेलिटी में उनकी नॉलेज में वो शेयर कर देंगे। और बट इसमें ना उनका कुछ फी रहता है, आई थिंक कुछ शायद 50% जो आपका रेंट होता है वो होता है या 100% भी हो सकता है, वो वेरी करता है। एक तो वो होता है और सेकंड ये है कि वो आपको ले जाएंगे अलग अलग रूम्स पे, वो दिखाएंगे, अगर आपको जो है वो आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा फ़ी का रहता है। और सेकंड ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली लोकेलिटी में विज़िट करें और जहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नोटिस लगा होगा बाहर, तो उस एडवर्टीज़मेंट नोटिस पे फ़ोन नंबर भी होगा, आप वहाँ से फ़ोन नंबर भी चेक करके उनको कॉल कर सकते हैं। दे विल शो द रूम, देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान आउट, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ले सकते हैं। और फैसिलिटीज़ मोस्टली जो रूम्स में होती हैं नॉर्मली जो मोस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी रेस्ट जो हैं वो आप खुद एड अप कर सकते हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, चाहे वो आप बुदंगसान रियल इस्टेट ओनर से लें या खुद से ट्राई आउट करें, वो जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ 2 से 3.5 मिलियन कोरियन वॉन तक जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है और मंथली जो है वो 3 से लेके 5 लाख कोरियन वॉन जो है वो रेंट रहता है। तो ये वेरी करता है लोकेलिटी से लोकेलिटी।
और सिक्योरिटी मनी भी जो है वो लोकेलिटी से लोकेलिटी करता है। अगर आप सियोल में होंगे तो वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 मिलियन होगा और वन रूम अपार्टमेंट का रेंट जो है वो मंथली 5 लाख कोरियन वॉन से स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख में भी हो सकता है बेसमेंट वगैरह में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वेरी करती हैं। और आने से पहले ये सब प्लान आउट करना है कि कहाँ स्टे करना है, डोम में या बाहर। अगर डोम में करना है तो कौन सी डोम लेनी है, इंटरनेशनल या ग्लोबल फैसिलिटीज़ क्या हैं। और बाहर में लेना है तो उसके लिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और जब तक आपको सैलरी या फेलोशिप मिलता तब तक का आपका रेंट, ये सब चीज़ें आपको जो है ये डिसाइड आउट और प्लान आउट करनी है। सो नाउ लेट्स गो फॉर लंच।